श्री माँ श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्रे योगदान करथिबा भाई अपमान को नमस्कार। आज आलोच्य विषय स्वप्न निद्रा रात्रिकालीन कार्यकलाप उपरे नियंत्रण। स्वप्न निद्रा रात्रिकालीन कार्यकलाप उपरे नियंत्रण प्रसंगरे आलोचना करिवा निमन्ते पंडिचेरी श्री अरविंद आश्रमर मधुसूदन भाई मधुसूदन महापात्र को मु अनुरोध करूछि। मधुसूदन भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। समस्त समस्त भाई भणी मानंकु मोर विनीत प्रणाम। आउ आजिर संध्या एवं एई भली एक समावेश आम समस्तंक पई अत्यंत शिक्षाप्रद एवं आनंददायक हे बोली श्रीमा श्रीवंद निकट में प्रार्थना कर। प्रथमे आज विषय वस्तु विषय सामान्य सूचना देवा चेष्टा करते कमल किशोर भाई मत विषय टी उपरी प्रस्ताव दले प्रथम मत बहुत भल लगला। कारण हूँ अनेक समय मोर सांगसाथी मान प्रश्न मुझे आपरे पुणी मन को आसला जो मैंने पाठचक्र जोग दौंती सेने समस्ते मातृकर्मी अनेक अध्ययन कर समस्त किसी ना कि अनुभूति रही स्वप्न निद्रा ये सब विषय अनेक को बहुत जना यह हे तो कौन सी स्कूल पिला को शिक्षा दला भली कथा यह एक विशाल समावेश आलोचना करवा भली कौन अच्छी ये एक प्रश्न मो भीतर को आसला। प्रकृत देखा कहे विषय टी उपरे श्रीमाश्रंद अनेक कथा कही अध्ययन कर लोक मैंने सबुज मन रखी संभव नुहे जत जो प्रसंग में जो भाई कथा आए तो से भाई कथा थी आपरी भी हिपारे अनेक नुआ पाठचक्र जोग दौर लोक मैंने भी समावेश भीतर थे यही एक आस्था एवं भरोसा नहीं विषय टी उपस्थापन करने को जाओ यह समस्त अल्प बहुत परिचित। प्रथम ये निद्रा सुसुप्ति सुप्ति ये सब नाना कथा आमर साहित्य भितर हो कार्यकलाप भितर अच्छी आम के गभीरतार विषय गभीरतार सहित चिंता करुचु ता प्रथम आम पर्यवेक्षण करवा निज भितर समीक्षा करवा ये प्रकृति देखा गले प्रकृति मध्य गोटे सुप्ति अच्छी प्रकृति मध्य गोटे स्वप्न अच्छी आ प्रकृति मध्य किसी गतिविधि रही बोली सृष्टि भितर अंतर्निहित सब वस्तुर गोटे से क्रिया चली प्रकृति में मनीष केवल शुएनी पशुपक्षी मान भी शुंती वृक्षलता मान भी शुंती आ मनीष जो भाई जाग्रत हुए से समस्ते जाग्रत हूँ यही प्रक्रिया केवल आमर मनीष भितर सीमित नुहे आकृति भितर को किपरी आसला सुक्ति विषय टी से कथी को आम जानवा
ताहले ए विषय रो गांभीर्य आमको जाना पड़ो। प्रथम सृष्टि जितेला से दुईटी तत्व नहीं कि सृष्टि गोटे हूँ पुरुष तत्व आ गए हूँ प्रकृति तत्व। आहरी जदि गभर को जीवा पुरुष प्रकृति आविर्भाव पूर्वर आलोक और अंधकार ये उभयर आविर्भाव होता सृष्टि आरंभ से जो आलोक तत्व प्रथम आविर्भाव होता ताहाकु अंधकार आवृत कर अंधकार भितर आलोक एते परिमाण रे मग्न हो गला जो थे से पुणी प्रकाशित हवा को अनंत माने अपरिसीम समय तक लगी एपर्यंत भी से अंधकार कबल से मुक्त मुक्ति पाईना से अंधकार एवं आलोक जो प्रकाश एवं आवरण क्रिया ता विश्व क्षेत्र में घटुची समष्टि क्षेत्र में घटुची व्यक्ति क्षेत्र में घटुची आ से जो अंधकार ता हूँ तमस शक्ति तम आसित तमसा गूढ़मग्रे ऋग्वेद एक कथा कह जाए तम तमसारे गुड़ हो रही है और तारी भर गोटे अप्रकृत सलील था अप्रकृत सलील अर्थ हूँ अप्रकाश्य अप्रकाश्य जल से जल हूँ चेतना एवं से मध्य सबकि व्यक्त हवा को लगला जो रात्रि जो अंधकार से अंधकार भितर उषा उषांक गति उदित हेले सत्यर सूर्य आई सत्यंकर सत्य सूर्यंकर जो गति से गति रे तमसा विलुप्त हो आलोक प्रज्वलित हो कार्यटी रात्रि एवं सूर्य ए उभयों मध्यवर्ती स्थान में रही उषा यह हूँ वैदिक प्रतीक भितर रही जितेबले आम पुराण भितर को आसू गीता वेदांतिक फिलोसफी भितर को आसू से आम देखो ब्रह्मा जो सृष्टि कले जो समय ता हूँ गोटे मनवंतर से सृष्टि जो दिवस हूँ गोटे सृष्टि आई सृष्टि जो विश्राम को जाए ता हुए रात्रि अहोरात्र कई मनवंतर भितर केते लक्ष केते कोटी वर्ष ता भीतर रही तार मध्य परिसीमा नाही अपने यह मध्य एक विलुप्ति नुहे जहा सृष्टि ता एक विश्राम विश्रांति भितर को जाऊँगी पुणी जो बड़े भगवान को इच्छा होची ता पुणी प्रकाश को आसुची यह है ब्रह्मांकर दिवस एवं रात्रि से दिवस रात्रि आमर यह सृष्टि भितर सूर्य को लेकिन जो दिवस रात्रि मध्य से एक जिनस दिवस भितर एक शक्ति क्रिया करे रात्रि आसले से शक्ति ऊपर एक आवरण खेली जाए तेणु यह एक प्राकृतिक वस्तु आमर शरीर प्राण मन प्रकृति मध्यरे थिबा हेतु यही प्राकृतिक नियम द्वारा
ताकु निद्रा आसे से भले प्राकृतिक नियम भितरे रहिछि क्षुधा तृषा तार भितरे रहिछि मनुष्यर इच्छा तार भितरे रहिछि भावना ता भितरे रहिछि प्रेम एभली सब सद्वस्तु गुड़िक रही प्रकृतिर एक विकृत अवस्था मध्य तार विपरीत असद वस्तु गुड़िक रही कथा गुड़ी आम एत गुड कथ कह कारण हूँ यही जो रात्रि आम निद्रा जाऊ कि स्वप्न देखु जहा कि रात्रि घटना गुड़िक घटू केवल एक आमरी दिवस रात्रि सहित तो संप्रत नुहे आहरी गोटे उदाहरण देवी मांडुक्य उपनिषद अच्छी ब्रह्म चारिटी स्थिति जाग्रत अवस्था स्वप्न अवस्था सुसुप्ति अवस्था ज्ञान प्रज्ञान घन अवस्था चारिटी अवस्था जागरण अवस्थार पश्चात रे स्वप्न स्वप्न पश्चात रे सुसुप्ति सुसुप्तिर पश्चात रे चतुर्थ पाद प्रज्ञान घन तक तुरीय अवस्था बोली कहा जाए जाग्रत जागरितांत स्वप्नांत सुसुप्ति गर्भ प्रज्ञान घन यही जो जागृत अवस्था पछरे एक स्वप्न रही সেই স্বপ্নরু এই জাগ্রত অবস্থাটি এই ব্যক্ত পৃথিবীটি আসিছে পুনি স্বপ্নর পশ্চাতে রয়েছে সুষুপ্তি সেই উপনিষদে কোয়া যাইছে এই সুষুপ্তি অবস্থায় স্বপ্ন রহে নাই আর এই তিনটি যাক মিশি গলা পরে তারপর হয়ে প্রজ্ঞান ঘন এই প্রজ্ঞান ঘন অবস্থায় কৌশি জাগ্রত স্বপ্ন সুসুপ্তি এসবুর ঊর্ধ্বরে একত্ব অবস্থা ব্রহ্মক সহ একত্ব অবস্থা এই দৃষ্টি দেখা গেলে স্বপ্ন এহা মনুষ্যর বি মনুষ্য কেবল দেখেনি এহা মধ্যে এক বেদান্তিক বৈদান্তিক দৃষ্টির एक रहस्य तेणु आज आम जो स्वप्न बा निद्रा ये सब को एक जेहेतु आम अभ्यस्त पिलादिन रु सेहिभली भावरे आम एको देखि आसछु किंतु प्रकृत देखा गले आज परिस्थिति रे यहा एक विचार्य विषय ता कारण होछि जो आज जो नूतन पीढ़ी वर्तमान जो युवक युवती एपरिक बहु परिमाण रे स्कूल छात्र छात्री माने भी एथरे पीड़ित से माने भावंती निद्राटा तांको हाथ जिनस जेतेले चाहिबे सेतेले जीवे जेतेले चाहिबे सेतेले सोइबे जेतेले चाहिबे उठिबे यहा द्वारा अगर आप बहुत जिनस डिस्टर्ब हुए इथि गोटे सौदंकर गोटे बाणी मु पढ़ी व्हेन वन इज इन द फिजिकल कॉन्शियसनेस आफ्ट स्लीप इज आफ्ट ऑफ टू बी ऑफ द सबकॉन्शियस काइंड often heavy and unrefreshing. The dream also of the subconscious kind, incoherent and meaningless, or if there is a meaning, the dream symbols are so confused and obscure that it is not possible to follow it. It is by bringing the mother's light into the subconscious
that this can be dispelled and the sleep becomes restful or luminous and conscious. तेणु प्रकृति में स्वप्न आम निद्रा टी किप कथा से लास्ट सेंटेंस द स्लीप बिकम्स रेस्टफुल और लुमिनस एंड कॉन्शियस तेणु कॉन्शियस लुमिनस एंड रेस्टफुल ये सब कथा को निद्रा भितर सुप्ति भितर पाइबा को चाहू तेरे एहा आम इच्छाकृत भाव हवा उचित नुह ता जोग निर्दिष्ट भाव हवा उचित तेणु आज परिस्थित रे जो पिला माने विशेषकर युवक युवती माने अति साधारण कथा से विलंबरे निद्रा जीवा आजिकल मध्य विभिन्न चलचित्र देखा जाउची बापमा सीगले बोली जानवा पर पाटी तर लुचि लुचिक मोबाइल रे से फिल्म देखता है से आखिर शक्ति नष्ट चेतना भी नष्ट सबकि नष्ट से दृष्टि यह आज आलोचना टी से भी बहुत साय कर पाने पाठ पढ़ती ठीक राति समस्ते सुझा पर पाठ पढ़ा आरंभ करती आज जो समस्त उठवा आरंभ करते से माने सोइबा को जानती सेटा मध्य भूल कंपनी रे काम भोजी इत्यादि करके समय नष्ट करती से ज्वाला भी थिबो आउ किछ लोक मादक द्रव्य मध्य सेवन करती जेनो तेणु राति बा निदा ताहा जदि हुए एक आमे यदि ताको ज्योतिर्मय सचेत एवं विश्रांति स्थान विषय बोली भाविबा ते मोर भाई भौणी मान समस्त अनुरोध जे एही सब विकृति रो आम जो भली मुक्त हो आ गोटे मोह रही आजिकल ये जो डिजिटल फैसिलिटी समस्त को मिलवा द्वारा अनेक लोक से मोहित होती आउ से मुक्त हवा बहुत दरकारी मादक द्रव्य तो निदापाई मादक द्रव्य केवे भी व्यवहार करवा उचित नुह तेणु ए विषय टी आम पर आलोचना करवा तो प्रथम विचार करवा निद्रा प्रकृति में कौन आवश्यक निद लगुच प्रकृत रे ए विषय माँ तंकर शिक्षा बही रे कहिसंती जो मैंने चैत्य आविष्कार पाई जीवन देछंती समानक पाई निद्रा होची एक स्कूल नाइट स्कूल बोली कहिसंती माँ सही निद्रा प्रथमे दिवसरा समस्त क्रांति को पूरा करे एक क्लीनर से आसी माने रात्रि हवा पर स्वच्छता आरंभ हुए सकल हला बेलू रास्ता घाट सब परिष्कार दिशा से निद्रा आसी आमर मन रु आम प्राण रु आम शरीर कोष गुड़िकु समस्त क्रांति अपसराई दिए एवं आसंता कालीर कार्यपाई आम शरीर प्राण रे एवं मन रे शक्ति भरी दिए से चंडी कहुई या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः किंतु अनेक लोकों को निद्रा प्राप्त हुए ना बहु कष्ट लोके निद्रा जानती
से विषय मध्य एक परवर्ती आलोचनार विषय हो। तापरे आ गोटे हूँ तार निद्रार आ गोटे कार्य आम पाकस्थल को विश्रांति दे एवं खाद्य को धारण करे। अन्य कथा जो हूँ माँ जोटा कही जो मैंने जोग मार्ग अच्छा से मैंने योग शक्ति एक परोक्ष संपर्क लाभ करद्रा भितर माँ लेखा भितर कही से अवस्था से व्यक्ति जापे किंतु योग शक्ति सहित से व्यक्ति चेतना सम्मिलित हुए। यही सब आवश्यकता रही निद्रा तेना भाई भाई मैं निद्रा एक प्राकृतिक वस्तु हेले भी ताक आम ठीक भाव व्यवहार करवा आमर यह जोग जीवन जात्रा अनेक लाभदायक हेब। तापर प्रश्न आसी जे निद्रा गोटे प्राकृतिक वस्तु होती भी समस्त को मिलूने कहीं आईवार प्रक्रिया टी कौन यह मध्य एक ज्ञातव्य विषय बिछना रही तकिया रही एसी किंबा फैन भली आमर ये आम को सुख भली व्यवस्था गुड़िक रही तथा कहीं निद हो तेणु निद आसवाई के प्रक्रिया आमको करने पड़े से विषय भी पा मान को माँ कही कौन सी माँ कहते तुम्हें क्रांत अवस्था केवाक जीवन बिछना को जीवन बिछना पाखे बर बस ध्यानस्थ हो कि माँ शक्ति को आवाहन कर जो क्रांत अवस्था टी प्रथम दूर करतु मनरे क्रांति रही शरीर क्रांति रही प्राण से दुर्बलता रही सब गुड़िक शांत कर दि माँ यही प्रार्थना करवा श्वास प्रश्वास को सचेतन भाव में नवा आणवा करवा यही एक स्थिर अवस्था आसिले निद्रा जीवाक पड़े। तापर माँ कहते तुम्हें शवासन भाई स्थित किस समय रह हाथ को मुंड को गोड़ को आबू कि शांत करदेव स्थिर करदेव तापर निजर श्वास प्रश्वास दृष्टि निबद्ध कर मनरु सब प्रकार भार को भगवान समर्पण करदे समस्त प्रकार दायित्व को भी से समय भूली स्थिर अवस्था थोड़ा बेले आम भितर निद्रा देवी आम को केत कूलती आम को जमा पड़े तापर हुए रात्रि कालीन नाना प्रकार गतिविधि जे से जो रात्रि कालीन गतिविधि भितर आसुची प्रथम जो कथा टी हुए स्वप्न तो स्वप्न यही विषय भी माँ कहते जे स्वप्न प्रकृत रे एक से विश्रांतिर एक रास्ता जे आम आम दिन दिन में जो सब कार्य करसी था जेपरी प्रकार प्रतिक्रिया आम भितर सब होता है से गुड़िक अवचेतन सब स्थान लाभ करें जो शरीर को निश्चिंत कर स्थिर कर दे कि शुवाक जाऊ से अवचेतन कथा गुड़िक रिल भली सिनेमार रिल भली चले धीरे धीरे ता सरी जाए आकृत से
कथा गुड़िक आम मन रहे ना बिल्कुल स्वतंत्र गोटे चित्र लेटर संयोग फोर्थ पार्ट रे जे प्रकृत में स्वप्न देखे किए स्वतंत्र कही आम सूक्ष्म शरीर ही स्वप्न देखे शरीर शोई रही था सूक्ष्म मन जागृत था सूक्ष्म प्राण भी जागृत था सही अवस्था रे आमर रात्रि कालीन गतिविधि सब आरंभ हुए जो गतिविधि भितर आसे प्रथम स्वप्न स्वप्न होची विभिन्न प्रकार स्वप्न मुझे पढ़ुली श्रीमंद चिठी गुड़िक से कत नोट कर गोटे चिठी भितर अच्छी ए ड्रीम फ्रॉम सबकॉन्शियस हैज नो मीनिंग इट इज सिंपली ए खिचुड़ी एठ बुझे ए ड्रीम फ्रॉम सबकॉन्शियस हैज नो मीनिंग इट इज सिंपली ए खिचुड़ी तो खिचुड़ी जमी बारी हुए कौन कौन सब मिसी कौन कौन हो तो सबकॉन्शियस जो कथा घटु थाए निद्रा काल तार किसी न थाए मैंने मीनिंग किसी न थाए किंतु यदि व्यक्ति सोइबा पूर्वरु एभली एक सचेतन अवस्था निद्रा जाए थाए जे प्रथमे से गोटे संकल्प करिवो शरीर उपरे सचेतन हो प्राण उपरे सचेतन हो मां को आवाहन करिवो मां को शक्ति सहित संयुक्त हो एभली अवस्था यदि जने स्वप्न जाए ताहले ताहार जो तीन अवस्था से स्वप्न देखे गोटे मानसिक प्राणिक आउ गोटे हूँ सजेस्टिव तो मानसिक स्वप्न रोटे गुणधर्म अच्छी प्राणिक स्वप्न रोटे गुणधर्म अच्छी सजेस्टिव मानते सांकेतिक स्वप्न रोटे गुणधर्म अच्छी तेणु मानसिक स्वप्न रे नाना प्रकार कथा सब आसे जो थे आमर विभिन्न स्थान को जा स्वप्न आसे विभिन्न व्यक्ति सहित मिशुवार स्वप्न आसे नाना प्रकार रंग आमर प्रिय व्यक्ति मानकर मुख ये नाना प्रकार स्वप्न गुड़िक जो आसे आगुड़ सब मानसिक स्तर स्वप्न आ प्राणिक स्तर स्वप्न हूँ नाना प्रकार गतिविधि सब रही समुद्र लहड़ी प्रबल वायु युद्ध विभिन्न प्रकार कर्म दौड़ा खाद्य खाइवा यह सब नाना प्रकार जो स्वप्न गुड़िक थाए से गुड़िक सब प्राणिक स्तर किंतु जो आउ गोट स्तर जो स्वप्न सजेस्टिव सांकेतिक स्वप्न से गुड़िक आम को बहुत किसी शिक्षा देवा को सूचना देवा को आसी अल्प दिन ते मत जन बंधु पचारे कहले भाई मुझे गोटे स्वप्न बारंभ देखुची मुहा पचार भय रे कहीं किए कि उत्तर दब मुण को पचार मत स्पष्ट करदे कह मोर के ज्ञान अच्छी कहतु जदि संभव हम तो से कहले से जो वृद्ध व्यक्ति से मत कहले मो बापा को बहुत दिन स्वप्न देखुची आ से आसुचंती आ मते मोर खाली चाहे कि हसुचंती दिन नुह प्राय के दिन धरी एटा हो
ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଭ କର୍ମ ହେବାକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଭଳି କଥାଟି ହେଇପାରେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମାସେଟେ ପରେ ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀର ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲା, ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ଏବଂ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ସେସବୁ କଥା ହବାର ଅଛି। ଯେ ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଘଟିଲା, ମୁଁ ତ କୌଣସି ବହି ପଢିକି ଏଟା କହିନଥିଲି, ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣେ ଦେଖେ, ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇ ବଂଶର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାଠୁ ଅବସ୍ଥାର ଏକ ସୂଚକ। ସେଇ କଥାଟିକୁ ମନରେ ରଖିକି ମୁଁ ସେ କଥାରେ କହିଥିଲି। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଭଳି କଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବହି ଭିତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ମୁଁ ସେ ବହିଟି କମ୍ପାଇଲ କରିଛି, ପ୍ରତୀକ ଓ ତାର ଅର୍ଥ। ସେଥିରେ ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚିଠିର ସବୁ ମାନେ ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥ ଗୁଡିକ ସେଥିରେ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବେ ତ ପଢିଥିବେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୋଲି ବାହାରିଛି। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ହଉଛି ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ସେ ବହିକୁ ପଢୁଛି। ଏଠି ଜଳରାଶି ଚେତନାର ପ୍ରତି ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କର୍ମ ସବୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଠି ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥଟି କେବଳ ରହିଛି ଜଳରାଶି ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ, ମାଛ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗତିବୃତ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଏଣୁ ସ୍ଥିର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆବେଗ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି। ମାଛର ଲାଞ୍ଜର କ୍ରିୟାଟି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳତା ଏବଂ ଆସକ୍ତିଗତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି, ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମାଛଟି ସମଗ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚେତନାକୁ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଦେବ, ଅଥବା ଏହା ଜଞ୍ଜାଳମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟିକୁ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟିର କଥା ଏଠି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅର୍ଥଟି ଏଠି ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଥ କରିପାରୁନା, ଫଳରେ କି ଆମକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେମିତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆଜି ବହିରେ ସଂକଳନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କହୁଛି। ଅଶ୍ୱ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶକ୍ତି, ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ତପସ୍। ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ମାନସିକ ପ୍ରତୀକ, କୌଣସି ଲେଖା ଅକ୍ଷର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତୀକ। ଅଗ୍ନି ଆନ୍ତର ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିର ବା ଗତିକ୍ରିୟା, ପ୍ରଗତିଶୀଳ କର୍ମ। ଯଦି ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ ଧଳା, ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିପ୍ସା, ଯଦି ନାଲି ତାହେଲେ ତପସ୍ୟା, ଯଦି ନୀଳ ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ସେଭଳି ଅଟ୍ଟାଳିକା ନବସୃଷ୍ଟି, ବେଳେବେଳେ ସପ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖୁ କିଛି ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଘର ତିଆରି ହେଉଛି କିମ୍ବା ଫୁଲ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆମେ ଏଇ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ନବସୃଷ୍ଟି ସେଇଥିରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ସେଥିରେ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରାୟ 4-5 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକି, ତେଣୁ ସବୁ କଥା ଆମେ ମୁଁ ତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବି, ଆମର ସମୟ ବି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ତେଣୁ ଏବେ ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ କ୍ରିୟାଟି, ଏହା ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗତିବିଧି। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନର ଭିତରେ ଆମର ଅନେକ କଥା ମିଳିଥାଏ, କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ମିଳିଥାଏ, କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ତରର ନୁହେଁ,
एगुड़िक सब से ऊर्धस्तर से कारण आम जदि स्वप्न को दिद्धा को अत्यंत कौन मानने ज्योतिर्मय एवं जोगमय करने को चाहूँ तेरे आम को आम दिवस समस्त कार्यकलाप से गढ़ा पड़ो गीतार कहुई गोटे श्लोक आपको बहुत जगार कही युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त शब्द अर्थ होती जोगयुक्त जोग प्लस आम ओडिया भाषा युक्त कह जाए तार अर्थ होती मिशाण को युक्त कह जाए सेपरी युक्त आहार एवं युक्त विहार खाद्य मध्य योग सम्बन्धित हवा उचित विहार मध्य योग युक्त हवा उचित विहार भीतर लोक संपर्क समस्त प्रकार कार्य समस्त प्रकार भाव ये सब को विहार सहित निया पुणे युक्त स्वप्न युक्त अवबोध तेणु निद्रा भी योग युक्त हम आगमन भी जोगयुक्त हम से दृष्टि आम को जहाँ प्रत्येक व्यक्ति तार आवश्यक निद्रा से पाइबा उचित यदि से आवश्यक निद्रा न पाए तेबे तार राति तो नष्ट हम दिवस टी नष्ट हम ये गोटे सेंटेन्स मुझे पढ़ुची श्रीमंत फास्टिंग एंड स्लीपलेसनेस मेक द नर्व्स मॉर्बिड एंड एक्साइटेड एंड वेकन द ब्रेन एंड लीड टू डिल्यूजन्स एंड फैंटेसीज सिलेक्टर संजोग पार्ट 4 437 पेज फास्टिंग एंड स्लीपलेसनेस आम जो उपवास करू एवं निद्रा को व्याघात करू ये दीटी मनुष्य को एक प्रकार मर्बिड अर्थ हो रुग्ण हवा एंड एक्साइटेड ताकि सब एक्साइटमेंट रहे अस्थिरता रहे एंड वेकन्स द ब्रेन एंड लीड टू डिलिजेंस नाना प्रकार कुहली आड़ को दे जाए ब्रेन को दुर्बल कर दिए एवं फैंटेसी आड़ को सब अद्भुत अद्भुत कल्पना आड़ को नहीं जाए तेणु भाई भाई मान आहार निद्रा ये सब गुड़िक जोगर भित्ति आपण मैंने जानते हैं जोगाधार बोली बहटे श्रीविंद लेटर गुड़िक संग्रह आश्रम रु प्रथम प्रकाश पाई 1927 मसीह फर्स्ट पब्लिकेशन आश्रम पब्लिकेशन फर्स्ट से जोगाधार एवं से सब कथा कह आहार निद्रा स्वप्न कर्म ना से बहुत मध्य प्रथम पाठचक्र प्रवेश कल मुझे पढ़ी थी से दृष्टि आम जो मैंने सब जानू जानक भी अनेक लोग भूल भी करती तेणु आम को से विषय सचेतन हवाक पड़ो आद्रा को यदि आम जोगयुक्त करने को चाहे तेरे ठीक समय रे निद्रा जीवार अच्छी ठीक समय जाग्रत हो समय पा तो निश्चित भाव दशा स्कूल पा मैंने दिन भितर जहाँ कम करतु राति 10 सुधा से मैंने सेवा को जवा उचित एवं सकाळ 5 6 सुधा से मैंने उठवा उचित वयस्क लोक मैंने 6 घंटा 7 घंटा ठीक अच्छे किंतु कौशी प्रकार 10 11 भितर एवं सूर्य सहित जाग्रत हवार अच्छी
এই অল্প দিন তলে গোটে ঘটনা ঘটিছিল যে অল্প বয়সর পিলাটিয়ে তার কিডনি খারাপ হয়ে গেল। তাকে চিকিৎসক মানে পচারলে তোর লাইফ স্টাইল বিষয়ে পচারলে পচারলে তোর কেতবে শুচু না প্রতিদিন রাতে গোটে হয়ে যাচ্ছে না কোণ পাই এবে তো পরীক্ষা নাই কিছু নাই তো কাহিঁকি এত লেট শুচু সত কহ সে মোবাইল দেখুছি। তারপরে সে তাকে কহিলা পরীক্ষা করি যে তুমি তোমার বাপাঙ্কু মোবাইলটি দিয়ে দিও গোটে মাস পরে তুমি আসব আমি তোমার কিডনি পাই ওষুধ দেওয়া। প্রকৃতরে গোটে মাস ভিতরে তাঁর কিডনি ঠিক হয়ে গেল। এই দেখুন কিডনি ভি এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আমার সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছি কেবল গোটিয়ে মানে জীবন শৈলীর গোটে দোষ পাই আপনি যোগ সাধনা করা যাচ্ছেন তাঁর তো অত্যন্ত দরকারি যেটা সৈন্য কিন্তু সেই কারণ আমার নিদ্রা মধ্যে গোটে যোগর অঙ্গ তাহলে আমি অবহেলা করিপারুনি। সেইপরি স্বপ্নকু মধ্যে সবুলে যা আমি স্বপ্ন দেখুছু তাহলে মধ্যে সবুলে এক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলে ভাবা উচিত নুহে কেন তাহা কেউ অংশর আসিছি কেউ সূচনা দেছি তাকে সেইভাবে এক স্তরণ জিনিস বলে ভাবি আমি বুঝবা পড়ব। আজ যে স্বপ্নটি আমি দেখিছু আজ 24 ঘন্টা 12 ঘন্টা পরে আমি যে পুনি নিদ্রা যাবু সেতু মধ্যে আউটে স্বপ্ন দেখিপার সেই কারণ স্বপ্নর ভয়ঙ্করতা কিংবা কৌশি প্রকার জিনিস নিয়ে বিচলিত হওয়া মধ্যে উচিত নয় কেন তাহলে মধ্যে পরিবর্তন করা যাইপার। এইভাবে যে রাত্রিকালীন গতিবিধি সব রয়েছে তাহলে যদি আমি নিয়ন্ত্রণ করা চাহু তবে আমি এক শৃঙ্খলা ভিতরে দিয়ে যাওয়া পড়ব। আমার যে অষ্টাঙ্গ যোগ হয়ে গোটি বিশেষ দিগ অম নিয়ম তাপরে যে রয়েছে আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা সমাধি এসব রয়েছে কিন্তু প্রাথমিক পদক্ষেপ হচ্ছে যম নিয়ম আবুগুড়ি সেই আমার আহার নিদ্রা এসব ভিতরে আসছে ব্রহ্মচর্যের কথা মধ্যে রয়েছে মন ভিতরে কোন প্রকার আবলতা আমার বিদ্যালয়কু আমার ব্যক্তিগত নিজ পরিবেশকু শুদ্ধ করে রাখবা নিজে শুদ্ধ হওয়া এইভাবে প্রত্যেক দিনটা যদি আমি ঠিক ভাবে গড়িপারিবা তবে আমার দিবস যেভাবে আনন্দদায়ক হব সেইভাবে আমার রাত্রি মধ্যে আনন্দদায়ক হব। ভগবান আমার রাত্রিকু অন্ধকারময় করি না রাত্রিরে অসংখ্য তারকা আমাকে আলোক দিয়ে আন্দ্র চন্দ্রদেব সে মধ্যে তাঁর জ্যোৎস্নারে রাত্রিকে আলোকিত করতে সেই দৃষ্টি রাত্রি যদ্যপি তাকে তামসী কুহযাই কিন্তু তাহা তামসী নুহে তা ভিতরে অনেক সম্ভাবনা রয়েছে সেই কারণ ভাই ভী মানে আজ যে এই যে কার্যক্রম আপনার আলোকিত করু যেই যে সব কথা আজ আলোচনা হল আপন মানে আহরি অনেক মঞ্চরে মধ্যে শুনিথিবে আউ যাবি হো কার্যটি কো এইভাবে উপস্থাপন করিবা এক দায়িত্ব মতে দেইখলে ভাই আউ মইঠু সমাপ্ত করছি ইয়াপরে আউ 3 মিনিট সময় আছে আপন মানে যদি এতে উপকৃত হইতে মতে বড় ভালো লাগিব আও কমল কিশোর ভাইঙ্কু ধন্যবাদ জনাচ্ছি এইপরে এক সমাবেশে মতে কিছু কহিবাকু সুযোগ দেলে আপন মানুষ মধ্য ধন্যবাদ জনাচ্ছি আপন মানে সমস্তে ধৈর্যর সহিত শুনিলে
आज रात्रि आप महाग्रह उपहार नहीं आसु यही प्रार्थना मार कथा जनाऊँ आओ समस्त को पुणि थे नमस्कार। वर्तमान गोटे मिनिट माँ को नाम जप करने सहित आज पाठचक्र को समाप्त करवा मा 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 मा